कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, आप सबके बर्ड्स भी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अभी काफ़ी दिन से जो है ना दिल्ली में बरसात हो रही थी, आप सब लोगों को देख ही रहे होंगे कि किसी के बर्ड्स बीमार हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है। तो मैंने अभी ना जो मटकियाँ हैं वो लगाई नहीं थी, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो उमस होती है उसके चक्कर में जो क्लच होता है, उसके अंडे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो अब दोस्तों देखें, बारिश आज रुक गई है, तो मैंने सोचा था आज मेरा ऑफ भी था। तो देखें, अब मैं जो है ये हुक्स वगैरह जो है ये लगा रहा हूँ धीरे धीरे, और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो मैं हुक लगा रहा हूँ और इजी तरीका क्या है आपका जो कॉलोनी में अगर मटकियाँ आप टांगना चाहते हैं। ये देखें मेरे पास जो दीवार है, तो आप देखें मैं ये हुक लगा रहा हूँ, आपको देख पा रहे होंगे इस तरीके के हुक आते हैं, ये लगाऊंगा मैं। इसमें नॉर्मली जो है ना मटकियाँ टंग जाती हैं, और इसके बाद आप उन्हें नॉर्मली निकाल सकते हैं। अगर सफाई वगैरह करनी है तो बहुत ईजी हो जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। साथ ही देखें अभी कुछ इस तरीके का हालात रखे हैं सेटअप के। बर्ड्स देखें कितना गंद मच चुका है, पूरी दीवारें खा रखी हैं बर्ड्स ने, तो अभी इनका ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि ढक रखा था पूरा। और देखें ये मटकियाँ भी देख पा रहे होंगे बाहर रखी हुई हैं, तो इनको भी जो सुखाने के लिए रख दिया है, गीली हो गई थी बरसात में। ये देखें दोस्तों, देख पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने ये हुक गाड़े हुए हैं, और इन पर जो है मटकियाँ मैंने लटका दी हैं। इससे इजी रहता है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे इसके नेक के पास मटकी के, मैं दिखा देता हूँ, ये देखें नेक के पास एक हुक्सा बनाकर, और उस पर मैंने इस तरीके से दीवार पर टांगी हुई। इन्हें इजी रहता है दोस्तों, जब सफाई करनी होती है मटकियों की तो काफ़ी इजी हो जाता है। और अब देखें इस तरफ भी अभी मैं जाली पर भी बांधूंगा कुछ मटकियाँ। और दोस्तों अब जो है ना मैंने सारी मटकियाँ लगा ली हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो सज गई है मटकियों से, आप देख पा रहे होंगे। मैं एक बार आपको बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ, पूरी सफाई करी है और अभी मैं जाके फ्री हो पाया। कल जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ था काम, तो इसीलिए जो है वो मैंने वीडियो जो है आगे शूट नहीं करी, क्योंकि काफ़ी बिजी हो गया था और काफ़ी शाम हो गई थी। तब मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें दोस्तों, देख पा रहे होंगे किस तरीके से जो मैंने सारी की सारी परचेज भी चेंज कर दी हैं। आप लोग जो पुराने जुड़े हुए हैं, आप सबको पता होगा कि किस तरीके से इसमें परचेज होती थी, और मैंने अब देखें किस तरीके से इसको लगा दिया है प्रॉपर, और सभी मटकियों के आगे जो है वो परचेज लग गई हैं। और ये देखें डंडे वगैरह मैंने प्रॉपर लगा दिए हैं, कहीं कहीं पर जहाँ पर डंडे नहीं लग सकते थे वो इस तरीके का मैंने सिस्टम बना दिया, और ये काफ़ी जो है ना स्टेबल है। तो ये देखें कुछ ऐसा लुक आ रहा है। दोस्तों अब जल्दी जो है ना वो ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही क्लच के जो अंडे आने स्टार्ट होते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसकी प्रोग्रेस की, किस तरीके से जो है ना ब्रीडिंग चल रही है। अभी देखें मैंने पानी में जो है ना इनके साथ मैं इनको कोर्स करवा रहा हूँ लिफ 52 का। साथ ही दोस्तों इसमें मैं मॉर्निंग में इन्हें विमराल पिला रहा हूँ, तो अभी ये भी काफ़ी ज़रूरी है। ये जो है वो ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। लोग जो बोलते हैं कि हमारी बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे, तो आप विमराल पिलाएं दोस्तों, और इसकी क्वांटिटी रहती है। मैं जल्दी विमराल पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, और ये देखें कि किस तरीके से मैं जो मॉर्निंग में है वो विमराल पिलाता हूँ, और साथ में शाम में मैं इनको जो है वो लिफ 52 का कोर्स करवा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि बर्ड्स ने जो है ना मटकियाँ लेना शुरू कर दिया है, काफ़ी बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड पर आ गए हैं, और मीटिंग भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नई ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है ना मैं वो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं।